नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवीन सोनी सर चैनल में। दोस्तों मैं हूँ नवीन सोनी, आप देख रहे हैं नवीन सोनी सर चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तवेरा की, और तवेरा जो है उसमें दोस्तों जो नखा होता है उस नखे का बोल्ट जो है वो टूट चुका है, सेंटर नट जिसको बोलते हैं नखे का नट। तो दोस्तों आज मैं क्या गाड़ी से जा रहा था तो अचानक ही नखा जो है उसका जो बोल्ट है वो टूट गया। जैसे आप ये कंडीशन देख रहे हैं ऐसे टूट जाता है, ये यहाँ से टूटा हुआ है। तो आप लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि सर हमें पूरी पूरा जो वीडियो है वो बताइए। थोड़ा बहुत मैंने आपको वर्बली बताया भी था उस समय, लेकिन आज मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि कैसे इसको चेंज करेंगे। देखिए टूटा हुआ है यहाँ से आप देख रहे हैं। तो ये दोस्त गाड़ी में जो नखा होता है, मैं अभी आपको नीचे की तरफ लेके जाऊँगा गाड़ी के, तो वहाँ पर बताऊँगा नखा कौन सा है उस पर ये दोस्तों ये बोल्ट टूटता है। और आप ये देख रहे हैं कि टूटा हुआ जो है वो तो ये है, और रियल वाला ये है जो बिल्कुल न्यू है। तो ये यहाँ से टूटा है, तो ये टूट जाता है तो दोस्तों गाड़ी का जो एक साइड का टायर है वो नीचे गिर जाता है, और गिरने की वजह से क्या होता है कि वो गाड़ी जो होती है वो टच करने लग जाती है इधर उधर। तो दोस्तों उस कंडीशन में हमें ये नट जो है वो चेंज करना होता है। तो मैं आपको पूरा इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे बनाए नए नोटिफिकेशन जो प्राप्त होते रहें। दोस्तों चलते हैं गाड़ी की तरफ। तो दोस्तों हमने गाड़ी को जैक पर लगा दिया है, आप देख रहे हैं गाड़ी का सेंटर नट जो है वो टूटा हुआ है। और ऐसी कंडीशन में हमें गाड़ी को जैक पर लगाना चाहिए क्योंकि टायर जो है वो एक साइड से नीचे की साइड में गिर जाता है। तो ऐसी स्थिति में जैक पर लगाने के बाद में आप जो ये गुटखा देख रहे हैं इसके और जो गाड़ी का जो मेन हेड है इसके बीच में हमें कोई ना कोई गुटखा या कुछ लगाना पड़ता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मैंने अभी जस्ट ये पत्थर लगाया है, इस प्रकार से चपटा पत्थर था ये मैंने लगाया है जिससे कि गाड़ी का टायर जो है वो बिल्कुल से नीचे नहीं है आए और ऊपर टच नहीं करे। तो इसके लिए ऐसी कोई व्यवस्था जो आपको कर लेनी चाहिए, अल्टरनेट ऑप्शन है। इसलिए गाड़ी को जैक पर लगा के करना, इतना गैप आ जाएगा जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं टायर और ऊपर जो आप जगह देख रहे हैं उसमें बीच में गैप जो है इतना लाना है आपको। इसके लिए आपको जैक पर लगा के और पत्थर लगा लेना है। उसके बाद में गाड़ी को दोस्तों धीरे धीरे चला के ले जाइए, जैसे कि मैं बिल्कुल धीरे धीरे चला के लेके जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं इतना गैप है कि गाड़ी आराम से चल सकती है, लेकिन इसके लिए बड़ा ही केयरफुली दोस्तों ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप भगा लो इसको, बिल्कुल से स्लो स्पीड में और गड्ढों वगैरह का ध्यान रखते हुए धीरे धीरे चला के लेके जानी है। यदि आप फास्ट चलाओगे तो वो जो हमने अभी जुगाड़ बनाया था पत्थर वाला वो साइड हट सकता है और गाड़ी फिर से नीचे गिर जाएगी एक साइड से, तो नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए बिल्कुल ध्यान से चला के लेके आना है। तो वो अब गाड़ी को हमने यहाँ पर वापस जैक पर लगा दिया है, और ये देखिए ये होता है दोस्तों नखा। आप देख रहे हैं ये अर्धचंद्राकार जो आपको दिखाई दे रहा है इसको नखा बोलते हैं, किसी का नखा नहीं देखा हुआ है। तो ये देख लीजिए ये नखा मेरा बनवाया हुआ है पहले से, एक बार ख़राब हो गया था तो इसलिए मैंने बनवाया था, क्योंकि आप नीचे देख रहे हैं पत्ती थोड़ी सी क्या कि थोड़ी सी ख़राब हो जाती है तो इसलिए नखा बनवाना पड़ता है। तो ये एक साइड से आपको मैंने दिखाया है, अभी मैं आपको दूसरी साइड से दिखा रहा हूँ। ये पूरा का पूरा आपको ध्यान से देखना है क्योंकि नीचे की साइड ऐसी होती है। देखिए ये दूसरे वाला जो अर्धचंद्राकार जो नखा है ये देखिए, तो ये होता है दोस्तों नखा। इसके ऊपर जो बोल्ट है वो ऐसे कैसे बैठ जाता है इसलिए इसको बोलते हैं नखा। तो इसके ऊपर क्या होता है दोस्तों, ये जो सेंटर नट है वो सेट हो जाएगा और गाड़ी जो है वो आसानी से चल सकती है। तो ये आपको बाहर से बनवाना पड़ता है, गाड़ी पुरानी हो जाती है तो उस दौरान फिर क्या होता है कि ये घस जाता है या टूट जाता है या नीचे की साइड में बैठ जाता है, तो इसमें गाड़ी जो है वो सेंटर नट जो है उसको तोड़ने लग जाती है। तो इससे बचने के लिए अपने को क्या है कि इसको बनवा लेना चाहिए दोबारा। देखिए ये अर्धचंद्राकार ये है और ये इसके ऊपर कैसे बैठेगा मैं आपको बताऊँगा अभी। इस ये उल्टा हो गया इस प्रकार से, ये टूटा हुआ था, मैंने आपको एक फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ कि कैसे इसके ऊपर बैठता है। तो कई भाइयों का मेरे पास मैसेज भी आया था कि ये जो सेटिंग इसको कैसे किया जाता है, नखा जो है इसके ऊपर हम सेंटर बोल्ट को कैसे रख सकते हैं। दोस्तों ऐसे रखा जाता है, देखिए अर्धचंद्राकार इसके ऊपर बिल्कुल आसानी से फिट हो गया है, ऐसे ही दूसरी साइड से फिट होता है। और ये नखा ख़राब हो जाता है दोस्तों, तभी क्या है चकने लग जाता है वहाँ से। तो इसको मतलब अर्धचंद्राकार ही हमें नखे को बनवाना होता है, तो ये कोई बढ़िया कारीगर वही बना सकता है जैसे कि जुनू में मैंने बनवाया था। तो इस प्रकार से दोस्तों ये बना के और फिर इसको अपने को सेटिंग वापस से करनी पड़ती है। ये जो रोड है ये रोड यदि नीचे गिर गई है तो मतलब कहीं जाओ आप इसको लेके तो इसको बांध के लेके जाना चाहिए, नहीं तो ये नीचे भी टच हो सकती है और टूट भी सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इसको आराम से खोल के और कोई तार वगैरह बांध लीजिए ताकि वो नीचे टच नहीं हो गाड़ी को लेके जाएं तब कहीं पर भी। यदि ये रोड के टच हो गई तो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं अब आपको लगाने की प्रोसीजर बता रहा हूँ कि नया जो सेंट्रल जो बोल्ट है मेरे पास इसको मैं कैसे नखे पर सेट करूँगा जिससे कि गाड़ी का जो टायर है वो उड़ जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए ये देखिए ये जो आप जगह देख रहे हैं इस जगह के ये जो नट है इस नट को तो इसके अंदर ऐसे फंसाना होता है
और नीचे इसकी बिल्कुल फिटिंग आ जानी चाहिए। नीचे भी अर्धचंद्र आकार जो होता है वो नीचे की साइड में फिटिंग का है, जिसमें चूड़ियाँ नहीं होती हैं और ऊपर की साइड में होती है। तो दोस्तों ऊपर की साइड में क्या करना है कि अपने को जो ये वाला सिस्टम है अर्धचंद्राकार वाला, इसको नखे के ऊपर फिट करना है। तो इस प्रकार से इसको लगाने के बाद में आप इसको सेट कर सकते हो। दोस्तों ये किसी को भी नहीं पता, बहुत कम भाइयों को पता है जो गाड़ी बहुत पुरानी पुरानी रखते हैं तवेरा, लेकिन उनको पता नहीं कि तवेरा में ये सेटिंग कैसे की जाती है, टूट जाती है तो ऐसे ही लेके चल पड़ते हैं। तो इसके लिए आपको ये बिल्कुल से केयरफुली समझ लेना, आपकी गाड़ी में होना चाहिए और ऐसे सेटिंग कर लेनी है। देखिए ये जो पत्थर है मैंने रख रखा है, और ये पत्थर को रख के आप कहीं पर भी कितने भी लॉन्ग जा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल केयरफुली चला के लेके जाना है। यदि आप भगाएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है गाड़ी में, इतना गैप गाड़ी के अंदर अपने आप आ जाता है जिससे गाड़ी चल के जा सकती है। चाहे आप फुल सवारी लेके जाओ ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल से केयरफुली धीरे धीरे चला के लेके जाना है। ऐसे आप कई बार हो जाए तो यहाँ पर आपको जैक लगा के, यहाँ से आप जैक लगाओगे तो आसानी से गाड़ी ऊपर उठ जाएगी और आपको वहाँ पर पत्थर लगा देना है। या आपके पास काठ का कोई गुटका है तो वो लगा सकते हैं। तो ये नट जो है, इस नट को यहाँ से अपने को टाइट करना है। ये नट को मैंने लगा दिया, देखिए आप देख रहे होंगे। और ऐसे लगाने के बाद में इस नट को देखिए अपने को टाइट करना। टाइट करने से क्या होता है, टायर जो है वो सेट हो जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। फिर अपने को दोनों साइड की सेटिंग मिलानी पड़ती है, कि कई बार क्या होता है कि एक साइड से टायर नीचे हो जाता है, एक साइड से ऊपर हो जाता है, तो दोनों साइड की सेटिंग हमें मिलानी पड़ती है। ये आप चाबी ले लीजिए और इस चाबी से आसानी से हम इसको कस सकते हैं। ये देखिए जितना हम इसको कसते जाएंगे उतना ही टायर जो है वो ऑटोमेटिक ही सेट होता जाएगा और गाड़ी जो है वो ऊपर उठती जाएगी। तो इस प्रकार से हमें इसको टाइट कर लेना है। यदि आपकी गाड़ी का नखा ख़राब हो गया है और गाड़ी जो है वो चक रही है, तो आपको क्या करना है कि नया जो नखा है वो बनवा लेना है दुकान वाले के पास जाके। कोई स्पेशलिस्ट हो वही बना सकता है, बाकी हर कोई इसे नहीं बना सकता। इस प्रकार से देखिए दोस्तों इसको बराबर कसते जाइए, जैसे जैसे कसोगे तो ये बोल्ट जो है वो इसको टाइट करता जाएगा और ये जो रोड है लंबी वाली रोड ये घूम के ऊपर की तरफ होती जाएगी। तो जितना ये ऊपर की तरफ जाएगा वैसे ही टायर जो है वो बिल्कुल से अपनी सही पोजीशन पर आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं नखे की सेटिंग विद सेंट्रल बोल्ट। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से हम इसको टाइट कर सकते हैं, किस प्रकार सेंट्रल बोल्ट जो इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए मैंने ये पूरा का पूरा लगा दिया, सेंट्रल बोल्ट जो बिल्कुल से इसमें सेट हो गया है बिल्कुल अच्छे से। दूसरी साइड वाला था ही और गाड़ी का टायर भी बिल्कुल से सेट हो गया है। अब मैं इसको कितनी दूर चला के लेके जा सकता हूँ। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से नखे की सेटिंग और बोल्ट की सेटिंग की जाती है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को भेजिए। और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नए अच्छे वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही।